दोस्तों गए वो दिन जब हम आटा चक्की पर हमारे बचपन के टाइम पे या पुराने टाइम पर गेहूं पिसवाने या अनाज पिसवाने किसी भी टाइप का, चाहे आपका गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, या मसाले पिसवाने या दाल पिसवाने जाया करते थे। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर जो लोग हैं आटा चक्की घर पर ही लाके अपने अनाज को, दालों को या मसालों को पीसना प्रेफर करते हैं। इवन मेरे घर पे बचपन के टाइम पे आयुर्वेदिक दवाइयां तक पीसी जाती थी आटा चक्की से। तो सबसे पहली बात, एक आटा चक्की बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर हम उसे घर पर लाकर ही अपने अनाज को पीसते हैं या मसालों को पीसते हैं या दालों को पीसते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहला, वन टाइम आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, साथ ही साथ कन्वीनियंट हो गया, आपको भारी कट्टा उठा के गेहूं का दुकान पे जाना नहीं पड़ेगा, उसे तुलवाना नहीं पड़ेगा, रेट तय नहीं करना पड़ेगा, और वापस आप आएंगे फिर अगले दिन या शाम को उसका वेट करेंगे कि मुझे वो लेके भी आना है। तो कन्वीनियंट तो कहीं से कहीं तक नहीं था वो वाला सीन। अब क्या है, कन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि आटा चक्की अब घर पे ही ले आएंगे। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, न्यूट्रिशंस लॉस्ट। जब हम आटा चक्की पे हमारे अनाज पिसवाते थे या दालें पिसवाते थे या जो भी हम पिसवाते थे, उसमें सबसे पहली बात न्यूट्रिशंस लॉस्ट होते थे हाई हीट की वजह से। कैसे, जैसे हम मान के चलिए गेहूं पिसवाई तो उसमें कार्बोहाइड्रेट लॉस्ट होगा, वाइटामिन्स लॉस्ट होंगे, फाइबर लॉस्ट होगा, उसी के साथ साथ मिलावट भी होगी जो कि जायज़ है। अगर हम मिर्ची भी पिसवाने देते तो आपको पता है उसके अंदर भी मिलावट होती है। तो ऐसे में लोग प्रिफर करते हैं कि घर पर ही आटे चक्की को लाएं और अपने अनाज को पीसें। तो ऐसे में एक आटा चक्की बाय करना बहुत ज़्यादा यूजफुल या बेनिफिशियल हो जाता है आज के टाइम पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट आटा चक्की, और एक आटा चक्की बाय करने से पहले ऐसे कौन से वो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। और दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ आटा चक्की की। तो मार्केट में आपको दो टाइप की आटा चक्की देखने को मिलती है। पहली स्टेनलेस स्टील वाली, जिसमें आपका स्टोन लगा होता है और स्टोन की हेल्प से आपका जो है दालें, अनाज या मसाले ग्राइंड होते हैं या पीसते हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं जो आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और दूसरा जो ऑप्शन है आपका, वो है ये वुडन सी क्लासिक सी दिखने वाली, जिसमें मोटराइज चेंबर होता है और ब्लेड्स होते हैं जिसकी हेल्प से आपका अनाज, गेहूं या आपके मसाले या जितनी भी दालें होती है पिसती है। इवन मेरे घर में तो इससे आयुर्वेदिक दवाइयां भी पिसती थी। तो एक ये दिखने में काफ़ी क्लासिक होती है, इसमें मोटर होती है जो आपके ब्लेड की हेल्प से आपके आटा या जो भी गेहूं अनाज आप पीसना चाह रहे हैं वो उसको ग्राइंड किया जाता है। साथ ही साथ जो स्टेनलेस स्टील वाली होती है, इसमें स्टोन होता है। अब इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल तैयार करी जो कि आपकी हेल्प करेगी बेटर अंडरस्टैंड करने में कि कौन सी आपको बाय करने में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो इस टेबल को आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों, वुडन ऑटोमेटिक चक्की के अंदर आप दालें पीस सकते हैं, अनाज पीस सकते हैं किसी भी प्रकार का, और कोई से भी मसाले पीस सकते हैं। सेम वही स्टोन वाली चक्की के अंदर भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी ऑटोमेटिक चक्की है, इसमें आप एक चीज़ नहीं कर सकते तो वो है कि आप अपनी जो अनाज है जैसे गेहूं है उसका दलिया नहीं बना सकते या दालों को रिफाइंड पीसेस में नहीं पीस सकते या ग्राइंड कर सकते। साथ ही साथ ये बेनिफिट आपको मिलता है स्टेनलेस स्टील वाली चक्की में, जिसमें स्टोन लगा होता है और स्टोन की हेल्प से आप दालों को भी रिफाइन कर सकते हैं पीसेस के अंदर, और इवन आप गेहूं का दलिया भी बना सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है प्रीकोटेड सीव्स। आपको डिफरेंट टाइप की फ्लोर फिटनेस के लिए जो बारीक करना है या मोटा करना है उसके लिए ब्लेड्स मिल जाते हैं वुडन ऑटोमेटिक चक्की में, लेकिन स्टोन वाली में ऐसा आपको मैन्युअली करना पड़ता है जो कि काफ़ी हैप्टिक है। उसके बाद वुडन वाली चक्की में आपको ऑटोमेटिक ऑन ऑफ का फीचर मिल जाता है, जिसमें आपका जो भी आप अनाज पीस रहे हैं तो जैसे ही आपका जो आप अनाज ऊपर डालेंगे और वो पीस के जैसे ही छन निकल जाएगा तो आपके जो चक्की के अंदर लगे सेंसर है वो अपने अनाज को जो भी आपने डाला है उसको सेंस कर लेंगे और ऑटोमेटिक शट ऑफ हो जाएंगे। और स्टोन वाली चक्की में ऐसा नहीं होता, उसमें आपको मैन्युअली ऑन ऑफ करना पड़ता है। अब बात करें मेंटेनेंस की, तो वुडन ऑटोमेटिक चक्की का जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी लो है एज कम्पेयर टू अपने स्टोन वाली चक्की, और जो है स्टोन वाली चक्की है उसका भी मेंटेनेंस काफ़ी लो होता है। बेसिकली जो मेन डिफरेंस होता है मेंटेनेंस का वो होता है उसका जो स्टोन है वुडन वाली चक्की का वो कितने टाइम तक चलता है, तो उसके बारे में भी आपको मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद बात करें डिज़ाइन की, तो देखो वुडन वाली जो चक्की है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ आती है,
और आराम से आप इसे घर में कहीं भी रख सकते हैं और दिखने में भी क्लासिक लगेगी। लेकिन जो स्टोन वाली चक्की आती है दोस्तों, ये थोड़ी बल्की आती है, तो ये इतनी ज़्यादा मतलब डिज़ाइन वाइज या कॉम्पैक्ट नहीं है। उसी के साथ व्हील्स दोनों के अंदर मिल जाते हैं, तो आराम से आप इन्हें कहीं भी मूव कर सकते हैं दोनों चक्की को। उसके बाद बात करें वुडन ऑटोमेटिक चक्की की मोटर वारंटी की, तो 5 ईयर्स तक की वारंटी आपको इसकी मोटर पे मिल जाती है। और वहीं बात करें स्टोन वाली चक्की की, तो 1 ईयर की ही वारंटी मिलती है। लेकिन इसमें जो मेजर फैक्टर होता है वो होता है ब्लेड और स्टोन का। वुडन चक्की के अंदर दोस्तों जो है आपके ब्लेड्स की हेल्प से आपके जो अनाज गेहूँ है या जो भी आप मसाले पीस रहे उसको ग्राइंड किया जाता है, और स्टोन वाली चक्की में या स्टेनलेस स्टील वाली चक्की में स्टोन की हेल्प से। अब यहाँ पर जो मेजर फैक्टर है कि इन दोनों की लाइफ, तो बेसिकली स्टोन की लाइफ होती है 8 से 10 साल। 8 से 10 साल बाद अगर आप स्टोन चेंज करवाते हैं तो उसका खर्चा 2000 से 2500 रुपये वेरी करता है। साथ ही साथ अगर आप ब्लेड वाली की बात करें, तो ब्लेड जो है आपके 3 से 4 साल बाद खराब हो सकते हैं या उनकी शार्पनेस खत्म हो सकती है, तो ब्लेड की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो 200 से 300 रुपये है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चक्की बाय करनी है, बाकी डिफरेंट आपके सामने है। अब बात करें वुडन चक्की की ड्यूरेबिलिटी की, तो काफ़ी ड्यूरेबल है, और वहीं कंपेरेटिवली स्टोन चक्की की बात करें तो लेस ड्यूरेबल है। बात करें यूजेस की, तो देखिए जो वुडन चक्की है उसे ऑपरेट करना काफ़ी इजी है, इजी टू यूज़ है। लेकिन जब बात आती है स्टोन वाली चक्की की, तो इसमें आपको सारी चीज़ें मैनुअली करनी पड़ती है, मैनुअली मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, मैनुअली आपको गेहूँ डालनी है और आटा निकालना है, तो ये थोड़ी सी टफ है यूज़ करने में। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो ये कि एक चक्की बाय करने का जो इसे आप रीज़न कह सकते हैं वो है कि इसकी ग्राइंडिंग कैपेसिटी या मिलिंग कैपेसिटी जिसे हम बोलते हैं, मतलब कि आपकी चक्की कितना बारीक आटा पीस सकती है, कितना फाइन आटा पीस सकती है या कितना फाइन अनाज या दालें पीस सकती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में हायर ग्राइंडिंग कैपेसिटी जो होती है वुडन वाली चक्की की होती है, क्योंकि इसमें ब्लेड्स की हेल्प से आपका आटा ग्राइंड होता है, पीसता है, जबकि जो स्टोन वाली चक्की होती है इसकी ग्राइंडिंग कैपेसिटी या मिलिंग कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि इसमें आपको मैनुअली सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो मेरे को पॉइंट लगता है वो है दोस्तों क्लीन। वुडन चक्की को आप इजीली क्लीन कर सकते हैं, उसका चेंबर आप क्लीन कर सकते हैं ब्रश की हेल्प से, हैंडल्ड वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से, लेकिन स्टोन वाली चक्की को क्लीन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो दोस्तों ये वो डिफरेंस टेबल था आप लोगों के सामने, जो कि आपके हेल्प करेगा एक बेटर डिसीजन लेने में, अंडरस्टैंड करने में कि आपके लिए कौन सी आटा चक्की सबसे बेस्ट रहेगी। और आई होप आपने अपना डिसीजन भी ले लिया होगा। अगर आपने अपना डिसीजन बना लिया है कि आपको एक वुडन चक्की बाय करनी है, तो ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि आपको एक वुडन चक्की बाय करने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। जो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है मोटर पावर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो वहाँ पे मेंशन होगा 1 HP या 750 वॉट पावर कैपेसिटी ऑफ मोटर। तो बेसिकली आपको कंफ्यूज नहीं होना, 1 HP इज इक्वल टू 750 वॉट ही होता है। तो अगर आप एक 1 horsepower की चक्की लेते हैं जिसका RPM अराउंड 2800 होगा, यानी कि रोटेशन पर मिनट, तो ऐसे में अगर आपकी फैमिली बड़ी है, 5-6 मेंबर की फैमिली है, तो ऐसे में आप एक 1 horsepower की चक्की को कंसीडर कर सकते हैं, जो कि आपकी फैमिली के लिए सफिशिएंट रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है ग्राइंडिंग कैपेसिटी या मिलिंग कैपेसिटी, मतलब कि आपकी चक्की 1 घंटे में कितने गेहूं को पीस सकती है और उसका आटा बना सकती है। मान के चलिए कि आपकी जो चक्की है 1 घंटे में 8 kg गेहूं को पीस के उसका आटा बना रही है। तो हर एक चक्की की डिफरेंट ग्राइंडिंग कैपेसिटी होती है, हर एक मसाले की अलग होती है, एक दालों की अलग होती है, तो इनका चार्ट होता है। तो मेक श्योर कि आप एक बार बाय करने से पहले चक्की को ये भी चेक कर लें। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है परफोरेटेड सीव्स, यानी कि जो चक्की के साथ ब्लेड्स आते हैं, तो एक बार जरूर चेक करें कि जो भी चक्की आप बाय कर रहे हैं उसमें आपको मिनिमम टू मिनिमम 6 तो ब्लेड मिलने ही चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 से 9 ब्लेड मिलने चाहिए। तो जितने ज़्यादा ब्लेड्स होंगे उतनी ही आप अपने अकॉर्डिंग अपने आटे की, अनाज की, गेहूं की, मसालों की या दालों की फिटनेस या उसकी ग्राइंडिंग या बारीक या मोटा ये सब एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये भी एक बार जरूर चेक कर लें। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है नॉइस लेवल। अगर आप ऑनलाइन सर्च करें तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि आटा चक्की के अंदर आपको नॉइस लेवल कंपनी ने कहीं मेंशन किए हो तो ये कहीं भी नहीं मिलेगा, मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये काम मैंने आपके लिए किया है। एक आटा चक्की के जो नॉइस लेवल होते हैं, जो आपकी स्टोन वाली चक्की होती है उसके जो नॉइस लेवल होते हैं दोस्तों वो होते हैं 80 से 90 डेसिबल्स। जबकि बात आती है वुडन चक्की की, तो उसमें चेंबर होता है, उसका वुडन बॉडी होती है, जिसकी वजह से साउंड भी थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। तो ऐसे में जो उस चक्की का जो नॉइस लेवल होता है वो होता है 60 to 70 लेवल, जो कि आप कंपेयर करें तो एक मिक्सर ग्राइंडर के बराबर होता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि आप जब भी एक
चक्की बाय करते हैं, आटा चक्की बाय करते हैं, तो उसके नॉइस लेवल एक बार या तो आप ऑफलाइन स्टोर पे जाके विजिट कर रहे हैं तो वो भी चेक कर लें, या ऑनलाइन बाय कर रहे हैं तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि एक मिक्सर ग्राइंडर के बराबर उसके नॉइस लेवल होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है आटा चक्की का पावर कंजप्शन। तो अगर आपकी आटा चक्की 1 हॉर्स पावर की है तो आपको पता है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 750 वाट। तो अगर आप आटा चक्की को 1 घंटा चलाते हैं तो 1 घंटे में वो आपका 0.75 यूनिट से लेके 1 यूनिट तक का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। तो आपको पता ही है आपके यहाँ पे 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कितना है, वो आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है दोस्तों वो है वारंटी। तो स्टोन वाली जो चक्की आती है, स्टेनलेस स्टील बॉडी वाली, उस पर आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, चाहे आपकी मोटर हो या पार्ट्स हो। साथ ही साथ वुडन चक्की की बात करें तो वुडन चक्की पे आपको पार्ट्स पे 1 ईयर की, मोटर पे मिनिमम 5 ईयर्स की, और उसके चेंबर पे आपको लाइफ टाइम की वारंटी मिलती है। तो ऐसे में अगर पीस ऑफ माइंड की बात की जाए तो आपकी वुडन चक्की ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उस पर आपको लाइफ टाइम चेंबर वारंटी मिल रही है और अप टू 5 ईयर्स की मोटर वारंटी मिल रही है, और पार्ट्स पे 1 ईयर की वारंटी मिल रही है, जो कि लॉन्ग टाइम में पीस ऑफ माइंड है कि भाई अब टेंशन फ्री हमें चक्की बाय कर लेनी है और उसे लंबे समय तक चलाना है, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो दोस्तों ये वो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको एक आटा चक्की बाय करने से पहले जान लेने चाहिए थे और आप जान भी चुके हैं। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट के रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरी ये रिसर्च, मेरी ये मेहनत आपको पसंद आई, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलो, क्योंकि यार आपके एक एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बना पाता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट आटा चक्की है उनके बेस्ट बाय लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और उन लोगों के लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं जिन्हें कॉमर्शियल यूज के लिए चक्की बाय करनी है, जो 1 घंटे में 60-60 kg या 70-70 kg गेहूं को पीस के आटा निकालना चाहते हैं। तो ऐसे में जो बेस्ट कॉमर्शियल यूज आटा चक्की है उनके बेस्ट बाय लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉपिंग बाजार।